धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले, जो कि आप तक पहुंच भी गई होगी। बट हमेशा की तरह, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है और सिखाया भी है, कि कोई भी अगर ब्रेकिंग न्यूज सामने आ जाती है तो उस न्यूज का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जो कि एक पर्टिकुलर शेयर को फायदा दिलाएगा। प्लस उसी के साथ साथ उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है, वो भी कौन से शेयर को फायदा दिलाएगा वो भी आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। मतलब इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे। प्लस अगर देखा गया कि ये जो खबर सामने आ रही है, इसके चलते कुछ लोग गलत, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस स्टॉक को फायदा होगा, ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है, बट दोस्तों वैसी चीज़ नहीं है। तो वो भी क्या चीज़ है वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूँगा। एंड प्लस उसी के साथ साथ, मतलब हमें एक पता चल जाता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, मतलब कहाँ पे धंधा बन सकता है, उससे रिलेटेड भी कुछ आइडिया यहाँ पे मिलेगी। तो एक एक चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। पहले स्टार्ट कर लेते हैं न्यूज़ से रिलेटेड। बहुत ही शानदार खबर है, टाटा ग्रुप की ओर से खबर देखने को मिल रही है। कौन से सेक्टर के बारे में? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के बारे में। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी देखा गया तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो टाटा ग्रुप की ओर से कौन सी खबर सामने आ रही है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का हार्ट, मतलब बैटरी। एंड बैटरी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है लिथियम आयन बैटरीज हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि खबर आपको पता नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। आपको ज़रूर खबर पता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोगों को नहीं पता होंगे, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो टाटा ग्रुप ने दोस्तों यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है 13,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बैटरी का जो प्लांट है वो सेटअप करने जा रहे हैं। कहाँ पे? गुजरात में। यस दोस्तों, गुजरात सरकार के साथ इनके यहाँ पे MOU साइन यहाँ पे हो चुकी है। और कितना बड़ा प्लांट है देखिए दोस्तों, 13,000 करोड़ का। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते बहुत सारा फायदा हम लोग को टाटा ग्रुप के साथ साथ देश को भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। एम्प्लॉयमेंट की बात करें और भी अलग अलग इसके बेनिफिट्स रहेंगे, जिसको हम लोग आगे वीडियो में कवर जरूर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों, जल्दबाजी के चलते बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अरे टाटा ग्रुप की बात हो रही है, 13,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की मतलब बात हो रही है, एंड बैटरी की बात हो रही है। सो बैटरी के हिसाब से टाटा केमिकल को इसका बहुत अच्छा खासा फायदा होगा। सो ये बहुत सारे लोगों को लगेगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं है, राइट। सो मतलब ऐसा क्यों नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाटा केमिकल ने इसके पहले बोला था कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट सेटअप करेंगे करके, बट बाद में टाटा के जो मैनेजमेंट है, टाटा केमिकल के मैनेजमेंट, उन्होंने कह दिया कि टाटा केमिकल यहाँ पे ये प्लांट सेटअप करने नहीं जा रहा है। सो डेफिनेटली अभी ये खबर सामने आने के बाद कि टाटा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी का प्लांट तो यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, तो क्या वापस टाटा केमिकल को मतलब फ़ायदा मिलेगा? तो दोस्तों मैनेजमेंट ने क्लियर कट बोल दिया है, ऐसा नहीं है। मतलब अगर देखा गया तो इस चीज़ का फ़ायदा कौन से कंपनी को मिलने वाला है, तो ये वो कंपनी है दोस्तों, आप इसका नाम पढ़ सकते हो। इस कंपनी के साथ हम लोगों को यहाँ पे गुजरात सरकार का क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट मतलब पब्लिक नहीं है, इसके शेयर्स बाजार में लिस्टेड नहीं है। सो इस कंपनी के साथ, जो कि टाटा ग्रुप की ही सब्सिडरी है, इसके साथ उन्होंने डीलिंग यहाँ पे कर ली है। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बैटरी प्लांट का सेटअप हो रहा है ना, तो इस कंपनी को फायदा मिलेगा, एंड ये लिस्टेड तो है नहीं। सो ये जो पहले जो बात हमारे दिमाग में आई थी कि टाटा केमिकल को इसका बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, खुद मैनेजमेंट ने बोला है फिलहाल के हिसाब से। हाँ, अगर आगे जाके अगर वो कुछ अपने डिसीजंस बदल देते हैं तो फिर डेफिनेटली टाटा केमिकल को भी शायद से फायदा मिले, बट करंट सिनेरियो की बात करें मैनेजमेंट स्पष्ट रूप से कहा है, आप चाहो तो उनका इंटरव्यू भी देख सकते हैं। 2 से 3 बार जो लोग रहते प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछते हैं, वो बार बार यही पूछ रहे थे कि टाटा केमिकल के अंडर ये डील साइन हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं। सो ये पॉइंट आपको बताना चाहिए, ठीक है आज के दिन ये 3% भागा है वो अलग बात है, बट ये पॉइंट जो था वो मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। देन दोस्तों अगर देखा गया तो प्रोडक्शन के हिसाब से जो कैपेसिटी 20 GWh की हम लोगों को कैपेसिटी शुरुआत में देखने को मिलने वाली है। एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें दोस्तों, तो इनडायरेक्टली 13,000 लोगों को जॉब मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं एज पर द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन और डेटा वी कैन से। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बहुत ही शानदार खबर देखने को मिल रही है। अभी स्टार्ट करते हैं बिटवीन द लाइन्स, मतलब ये तो ऊपर की खबर हो गई। सो बिटवीन द लाइन्स पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि इनडायरेक्टली क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को सुनने को मिलती है। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ मेरे आंखों के सामने आ रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर, मतलब इनिशियल स्टेज पे आपको पता ही है बहुत सारे लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई फ्यूचर नहीं है, फलाना ढिमकाना, आपको पता ही है। आज देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे आगे ग्रो करते हुए देखने को मिल रही है। एंड बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज, जैसे कि अगर मैं मर्सिडीज़ की बात कर लूँ, ठीक है, वोल्वो की बात कर लूँ,
राइट, खुद टाटा ग्रुप के भी अगर JLR की बात करो, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है कि इस साल के बाद, किसी ने 2026 की बात की है, किसी ने 2030 की बात की है, उन्होंने सीधा बोला है कि जैसे कि मर्सिडीज़ की बात करें, उन्होंने कहा 2030 के बाद तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाएंगे। तो मतलब क्या है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सेगमेंट बहुत ही तेज़ी से हमें आगे ग्रो होते हुए देखने को मिलने वाला है। कभी भी हम लोग शुरुआत करते हैं ना तो ऐसा ही लगता है अरे ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे होगा, चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, बीच में हाईवे में गाड़ी किधर बंद पड़ गई तो कैसे चलेगा। हर एक चीज़ का सोल्यूशन धीमे धीमे करके आएगा दोस्तों। सो ये बिटवीन द लाइंस वाली चीज़ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए स्टॉक भी आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, बट एक बहुत बड़ा बट है यहाँ पे कि टाइम लगेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन दोस्तों आ जाते हैं कि इस न्यूज़ का एक्चुअल में बेनिफिट, फ़ायदा टाटा ग्रुप की कौन सी कंपनी को मिलेगा। तो दोस्तों वो कंपनी है टाटा मोटर्स। यस दोस्तों, टाटा मोटर इन्हीं की कंपनी है, राइट। एंटायर इकोसिस्टम ही तो टाटा ने डेवलप किया है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो बैटरी बनाएंगे, ठीक है, उसी के साथ साथ गाड़ी भी इन्हीं की है जिसके अंदर ये बैटरी सेटअप होगा। देन ये गाड़ी चार्ज करनी है तो टाटा पावर है ही है, राइट। इसी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स, इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी तो टाटा लेक्सी भी है, टाटा टेक्नोलॉजी भी अभी आने वाला है लिस्टेड होके, ठीक है। सो ये एक पूरा इकोसिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिल्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए टाटा मोटर को इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। और सबसे खास बात क्या है, देखो जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आए थे ना तो यही क्रिटिसिज्म चलता था कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर आप कंपोनेंट देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, 42% कॉस्ट लगता था सिर्फ बैटरी का। मतलब 100 रुपये की गाड़ी है तो उसमें से 42 रुपीज़ सिर्फ बैटरी के लिए जा रहा है, ठीक है। बट बाद में धीमे धीमे करके आपको पता है टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, R&D होती है, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं 2018 के बाद 2020 में यही कॉस्ट हम लोग को धीमे धीमे करके एस्टिमेशन के हिसाब से नीचे आते हुए देखने को मिला। करंट सिनेरियो में बैटरी का जो कॉस्ट है एवरेज 30 से लेकर 32 के आसपास है। मतलब पहले लगभग 40-42 लगता था 100 में से, अभी 30% के आसपास बैटरी के लिए जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो धीमे धीमे करके यही कॉस्ट रिड्यूस होते होते 20% तक भी वो लाने की कोशिश करेंगे। और जितना बैटरी का कॉस्ट रिड्यूस होगा ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो दाम है वो हम लोग को पेट्रोल डीजल के गाड़ियों के बराबर आते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो इसी चीज़ का फ़ायदा टाटा मोटर को लॉन्ग टर्म में यहाँ पे होने वाला है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें गोल्डन पॉइंट, गोल्डन पॉइंट मतलब कौन सा, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज़ कैसे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये जो बैटरी सेगमेंट है दोस्तों, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, बैटरी से रिलेटेड ये जो बिजनेस है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगता है बैटरीज, अगर आपको इससे रिलेटेड बिजनेस अगर करना है तो इससे रिलेटेड अगर आपको दूसरे कंपनीज भी स्टडी करने हैं तो एक कंपनी बीच में मैंने आप लोगों को दी थी स्टडी करने के लिए जिसका नाम है नियोजन केमिकल। यस, नियोजन केमिकल की अगर हम लोग बात करें, ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, बट छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। बट इस कंपनी ने भी बीच में आप लोगों को पता है जापान से जुड़ी हुई जो कंपनी है मित्सुबिशी ग्रुप, सो इसके साथ हम लोगों को इनका पार्टनरशिप होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये ग्रुप तो आप लोगों को पता है बहुत ही बड़ा ग्रुप हम लोग को देखने को मिल जाता है, सेम कॉन्ग्लोमरेट ही है। ऑटो सेक्टर में तो हम लोग को इनका योगदान देखने को मिल जाता है, पेट्रोलियम में है, माइनिंग में है, फाइनेंस में, फूड में, इलेक्ट्रॉनिक है, एंड केमिकल में भी है। सो केमिकल की अगर हम लोग बात करें तो उसी के साथ नियोजन केमिकल के साथ उसके हम लोग को डील होते हुए देखने को मिली थी, एंड स्टॉक एकदम रॉकेट की तरह हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। आप देख सकते हैं बीच में जो तेज़ी देखने को मिली है इसके पीछे का रीज़न यही था। तो जब ये डील हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी तो अब यहाँ पे जो नियोजन केमिकल है उन्होंने कुछ यहाँ पे PDF भी अपलोड किए थे जहाँ पे उन्होंने बताया था कि कितनी ज़्यादा स्ट्रांग अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को लिथियम बैटरी सेक्टर में देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत को फोकस कर रहा है। तो इससे रिलेटेड प्रेजेंटेशन भी उन्होंने यहाँ पे जारी किया था, प्लस उन्होंने यहाँ पे कुछ और भी डायग्राम्स यहाँ पे बताए थे, जैसे कि एस्टिमेशंस बताए थे कि कैसे आने वाले समय में यहाँ पे हम लोग को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, एंड जो लिथियम सेल रहेगा वो भी कैसे उसका डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, उसका एक ग्राफ उन्होंने प्रेजेंट किया था। जैसे कि 2023 की बात करें तो 15, 24 में बात करें तो 20, 25 में 25, 26 में 40, ऐसा करते करते आप देख सकते हैं लगभग 2030 तक 160 तक हम लोग को ये चीज़ें जाते हुए देखने को मिलेगी। करंट सिनेरियो में कितना है, 15, मतलब आप रफली 10 गुना के आसपास ये मार्केट बड़ा होते हुए देखने को मिल सकता है, इसका एक अनुमान यहाँ पे नियोजन केमिकल ने अपने प्रेजेंटेशन में यहाँ पे बताया था। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक तो बात पता चलता है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एंड उसमें से अगर आप अच्छे प्लेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिल सकता है। बट देखिए मैं ये चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ, क्यों,
क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि लोग निवेश करते हैं और इमीडिएटली रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। इस सेक्टर में आपको इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। खुद यहाँ पे नियोजन केमिकल ने बताया, देखिए कि 10 गुना होने के लिए 10 साल लगेंगे, 10 नहीं 7 साल के अंदर अंदर 10 गुना यहाँ पे ये हो जाएगा ओवरऑल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो परफॉर्मेंस वाइज। सो इतना आपको होल्ड करना आना चाहिए, राइट। जो होल्ड करेगा उसको पैसा मिल जाएगा, जो नहीं कर पाएगा तो ऑलरेडी मैं वीडियो भी बना चुका था कि जो होल्ड नहीं कर सकता उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ये जो सेगमेंट है ओवरऑल, चाहे फिर वो चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड कोई कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है या फिर बैटरी से रिलेटेड या फिर व्हीकल से रिलेटेड, तो उसने रखना ही नहीं चाहिए अगर वो होल्ड नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप होल्ड कर सकते हो देन डेफिनेटली आप इस सेक्टर के बारे में डीपली विचार कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर ही लिए। तो समरी के फॉर्म में या फिर कंक्लूजन के फॉर्म में क्या बताना चाहूँगा कि टाटा ग्रुप 13,000 करोड़ के साथ ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है बैटरी सेल से रिलेटेड। इस चीज़ के चलते 13,000 इन्वेस्टमेंट, 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसी के साथ साथ 13,000 नौकरियां भी जनरेट हो जाएंगी। टाटा केमिकल को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, अलग से उनकी सब्सिडरी उसको फ़ायदा मिलेगा, बट इनडायरेक्टली टाटा मोटर को ही बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आगे जाके बैटरीज के दाम कम हो जाएंगे तो टाटा मोटर अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करते हुए देखने को आप मिल जाएगा। तो एक कॉम्पिटिशन का जो एडवांटेज भी होता है अर्ली स्टेज में जो चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की है एंड चीप प्राइजेस के ऊपर अगर वो गाड़ियाँ लाएंगे तो उसका भी फायदा उनको जरूर यहाँ पे मिलेगा और ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करने के लिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, सारी चीज़ें पसंद आए होगी। तो चाहो तो आप